हाउ टू बी अ गुड बॉटम, मतलब पीपल हैव बीन वेटिंग फॉर दिस वीडियो। आंटी को मैंने एक बार स्टैचू बोल दिया था, इतना सीरियसली ले लिया। पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था हाउ टू बी अ गुड टॉप, क्योंकि आप सबने इस वीडियो का इतना इंतजार किया है। शुरू करें अंताक्षरी। हाउ टू बी अ गुड बॉटम, इस लाइन को हिंदी में कैसे बोलते हैं प्लीज मेरे को कॉमेंट्स में बता दो। How to be a good bottom, यानी कि कुछ ऐसी चीज जो मैं अपने एक्सपीरियंस से शेयर करूंगा अबाउट सम बॉयज जो अपना इतना ख्याल रखते हैं। मैं इनके साथ जो वैसे पुपू कर रहा होता हूँ, मेरे को लगता है सी दैट इज गुड प्रिपरेशन। एज अ टॉप मैं प्रिपेयर हमेशा करता हूँ। आई कैरी लूप, मेरे अननेसेसरीली बाल नहीं होते, मैं शुरुआत धीरे करता हूँ, देन आई गो डुम 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 बिकॉज़ हैशटैग वी केयर। और जो चौथी चीज मैं करता हूँ इज टू कडल व्हेन आई एम डन, क्योंकि जैसे कि आई एम नॉट अ सेक्स ऑब्जेक्ट जिसके साथ मैं यार इनकी नाम पे मुझे उंगली चली जाती है। तो बॉयज एंड गर्ल्स अपनी नोटबुक निकाल लीजिए कि हम आपको बताने वाले हैं व्हाट गुड बॉटम्स शुड डू इन माय ओपिनियन। सबसे पहली चीज, अगर आप एक बॉटम हो, दिस इज द मोस्ट ऑब्वियस थिंग बट प्लीज डू दिस, गो टू द लू। जब आप लड़के से मिलने जा रहे हो जो आपके साथ पोपू करने वाला है, ऑब्वियसली आप पहले अपने पेट साफ कर लो। नंबर टू भी नंबर टू से रिलेटेड है। बहुत सारे लड़कों को डूश बैग क्या होता है पता नहीं। डूशिंग का मतलब मैं कैसे समझाऊंगा, D-O-U-C-H-E, डूश। ओके, गूगल कर लेना। बॉयज हू डूश आर फन टू डूश डू। सो शेडी, ये हंस रही है, रो रही है, क्या एक्सप्रेशन क्या है आंटी आपका। द थर्ड टिप टू बी अ गुड बॉटम मेरे हिसाब से, मेरे को फिंगरिंग के साथ रिमिंग भी पसंद है। मैंने पिछले बार वीडियो में आपको बताया था RIMMING, मैंने बोलता अगर आपको रिमिंग नहीं पता क्या हो तो मेरे से पूछ लो, एवरीवन नोज व्हाट रिमिंग इज। अब मेरे को ना बाल अच्छे नहीं लगते, क्योंकि आप जब रिमिंग कर रहे हो ऐसा लगता है मैं वो बाथरूम के आगे मैट नहीं होता उसको चाट रहा हूँ। अभी ऑनेस्टली मेरी प्रेफरेंस वाली बात है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ऐसा हो सकता है बाकी लोगों को बाल अच्छे लगते हो। आई पर्सनली डोंट लाइक हेयर, मैं तो फुल नीचे से सफेद चौथा में होता हूँ। क्या सोचती होगी मेरे बारे में, क्योंकि बालों के साथ दो प्रॉब्लम है। एक जब करना हो बिल्डअप प्री वर्कआउट, उसमें ऐसे बीच में ऐसा वाला मोमेंट आ जाता है। दूसरा, आपको बाल तोड़ हो सकता है क्वाइट फ्रैंकली। टू बी अ गुड बॉटम एक जो दूसरी चीज है वो है टू टेक सम कंट्रोल। अच्छा, मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है अगर मेरे साथ कोई लड़का है, मेरे साथ जो लड़के हैं ना एवरीवन्स प्रेफरेंस इज डिफरेंस, अगर वो पूरे टाइम डर रहेंगे कि उनको दर्द होगा फिर मैं थोड़ा ऐसे टर्न ऑफ हो जाता हूँ, बिकॉज आई एम लाइक रेडी टू गो ब्रो। तो प्रैक्टिस होने से काफी लड़के अपने आप को प्रैक्टिस करने के लिए अपने आप को खुद सिंगल भी करते हैं, ऐसे बट प्लग्स भी होते हैं। मैं इसको इससे ज्यादा क्यूट टोन में बोलने की कोशिश करूँ जिससे वल्गर ना साउंड करे। आंटी जी भी सुन रही है। अब क्योंकि आप अपने आप पर थोड़ी प्रैक्टिस करोगे, उससे क्या होगा कि आपकी एनल मसल्स रिलैक्स होने जाएंगे। हियर्स द प्रॉब्लम, जब कोई लड़के टेंस हो जाते हैं उनका ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होता है कि वो ज्यादा क्लेंच करते हैं। द प्रॉब्लम इज ये करने से उल्टा हो रहा है, एक्चुअली उनको ये करना है। तो अगर आपको लगता है आपको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, पहले प्रैक्टिस ऑन योर ओन, दूसरी चीज इन दैट मोमेंट रिलैक्स। आप में से काफी लोगों ने मेरे को एक बार और मैसेज किया कि आप में से काफी लोगों को लगता है कि अगर आप पहली बार बॉटम करने वाले हो आपको ऐसा लगता है कि आपको जब कोई पोपू कर रहा है आपके ऐसे सुसु निकल जाएगी। तो ऑब्वियसली करने से पहले आप पहले अपना ब्लैडर एम्प्टी कर दो, क्योंकि नहीं कर भी सकते, इतना प्रेशर डूम 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 होगा तो ऑब्वियसली कहीं से कुछ तो निकलेगा ही ना। और जो दूसरी चीज मुझसे काफी लोगों ने पूछी है जो एक्चुअली शायद स्ट्रेट है या बाई क्यूरियस है, उन्हें ये पूछे कि भाई लड़के को क्या मजा आता होगा कि दूसरे लड़का अपना छोटा भाई उनके अंदर डाले। उसका जवाब है एक शब्द, प्रोस्टेट। क्या? प्रोस्टेट। क्या? प्रोस्टिट्यूट? प्रोस्टेट, नॉट प्रोस्टिट्यूट। प्रोस्टेट एक ऐसा ग्लैंड जो बेसिकली आपके सो टेक्निकल एक वॉलनट के जैसे शेप होती है उसकी, बेसिकली आपको जो पेरिनियम होता है, पेरिनियम, ओके सो मच साइंस, पेरिनियम आपके बॉल्स जहां पे एंड करते हैं वहां से लेके एक ऐसे मेम्ब्रेन हुआ जो करें करता है वहां तक जो आपके बम तक जाता है, उस स्ट्रिप को बोलते हैं पेरिनियम। इरोजनस जोन होता है वहां पे, ऐसे वो प्रेस करेगा ऐसे तो आपको ई ऐसे लगेगा। प्रोस्टेट बेसिकली वहां कहीं पे होता है, तो जब आपको कोई ऐसे पोपू करता है आपका प्रोस्टेट स्टिम्युलेट होता है जिससे कि आपको ऐसे डुम डुम ऑर्गेज्म होगा। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, ऑर्गेज्म आपको पता है नॉर्मल ऑर्गेज्म जो लड़कों को होता है डुम 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 डुश, वो होता है पीनाइल ऑर्गेज्म, राइट? ऑर्गेज्म जो पीनाइल यानी कि पीनस से आता है। मैंने जो सुना है एक है वो एनली इंड्यूस्ड ऑर्गेज्म, उसका मतलब ये है कि आप ऑर्गेज्म तब करोगे जब आपके पीनस को बिल्कुल कुछ भी एक्टिविटी नहीं हुई, लेकिन आपका प्रोस्टेट जो आपकी एनल कैविटी के अंदर है वो ऐसे डिंग 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 होता है, उसकी वजह से आपको डिंग 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 और हो जाता है। मैंने सुना है कि जो एनली इंड्यूस्ड ऑर्गेज्म होता है वो इतना प्लेजरेबल होता है कि शरीर भी मुस्कुरा जाएंगे। तो
टू बी अ गुड बॉटम इट्स इंपॉर्टेंट कि आप जानें कि प्रोस्टेट क्या होता है। एक जो दूसरी चीज लॉर्ड ऑफ द बॉटम्स, अगर आप पहली बार करने वाले हो राइट और आपके साथ जो लड़का है उसका बड़ा है तो बेहतर होगा यू आस्क हिम वेरी क्लियरली टू टेक अ स्लो ऑलवेज 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 यूज लूब ऑलवेज लुब्रिकेंट के बिना नथिंग इज गोइंग टू हैपन जितना ज्यादा लूब उतना ज्यादा मजा। अब एक इंपॉर्टेंट सवाल कि आप काफी टाइम से बॉटम करने की सोच रहे हो पर आपने किया नहीं क्योंकि काफी लड़कों को ऐसा लगता है कि अगर वो बॉटम है तो वो या तो अनकूल हैं या वो ज्यादा गे हैं जो मेरे को समझ भी नहीं आया। काफी लोगों ने बोला कि अगर मैं बॉटम हूं तो मैं ज्यादा गे हूं। गे हूं मतलब गे हूं मतलब वीट नहीं यार गे हूं बिकॉज काफी लोगों को लगता है कि अगर आप टॉप हो तो फिर भी इतना बुरा नहीं है लेकिन अगर आप बॉटम हो तो थोड़ा शर्म की बात है। और ये मेरे को लड़कों ने खुद ही पूछा वन सेकेंड उसको बोलते हैं बॉटम शेमिंग। क्यों भाई लव इज लव अगर आपको अच्छा लगता है टू बी अ बॉटम ग्रेट व्हाई शुड यू फील बैड अबाउट इट बी प्राउड ऑफ हु यू आर ऑलवेज। और मैं आपको एक बात बताऊं बाकी कोई आप पे डाउट कर रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन आप अपने आप को जब खुद जज करते हो ना एक ऐसी बैटल होती है जो आप थोड़ा सा खुद लूज कर जाते हो। सॉरी यार ये वीडियो फिर से सेंटी बन गया। यू बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ यू डू व्हाट यू वांट। एक तो इस आंटी गुरु को हटाना पड़ेगा अपना हाथ हमेशा इस पे लगता रहता है। अब बॉटम शेमिंग इज अ वेरी प्रॉब्लमैटिक इशू क्योंकि काफी सारे लड़के जो बोलते हैं बॉटम है उन पर या तो लोग हंसते हैं या तो उनको लोग नाम बुलाते हैं या तो उनको अजीब अजीब चीजें बोलते हैं उनकी ज्यादा रैगिंग होती है। मेरा सवाल है क्यों आपको कभी भी कोई शेम करता है पहली बात तो गे होने के लिए बाइसेक्सुअल होने के लिए टेल देम ब्रो नन ऑफ योर बिजनेस। दूसरी बात अगर आपको कोई बॉटम शेमिंग करता है रिमेंबर सेक्स इज अबाउट टू पीपल वांटिंग टू बी विद ईच अदर। थ्री पीपल भी हो सकता है चार लोग भी हो सकते हैं और जी भी हो सकती है। सॉरी मैं थोड़ा सा टर्न ऑन हो रहा हूँ बोल क्या रहा था मैं ओह या बेसिकली बट हाउ सेक्स इज अबाउट समवन बट लाइकिंग यू आल्सो सम लाइक आई वाज सेइंग सम फिलोसॉफिकल स्टफ ग्रेट बट द पॉइंट इज आप किसी और के साथ सो रहे हैं मतलब नहीं पुप वाला सो रहे हैं बिकॉज यू ऑब्वियसली फाइंड देम अट्रैक्टिव। हियर्स द अनफॉर्चुनेट पार्ट ओके फिर से वीडियो सेंड होने वाला इंडिया में ऐसे भी गे और बाइसेक्सुअल होने में इतना बड़ा टैबू है उसके ऊपर बॉटम होने में ज्यादा बड़ा टैबू है उसके ऊपर खुल के बोलने में कि आपको अच्छा लगता है जब लड़के आपके अंदर पुपू करते हैं वो और भी प्रॉब्लमेटिक है। उसके ऊपर जब आप बोलते हो आप ओपनली बॉटम है फिर आपको लोग ऐसे सॉरी आई एम गोइंग टू जस्ट से स्टफ एज इट इज नाउ ओके फॉर रिसर्च पर्पसेस अगर आप बॉटम हो या अगर आप गे भी हो आपको लोग क्या बोलेंगे छक्का गॉन नहीं मैं वो वर्ड नहीं बोलूंगा। डू यू अंडरस्टैंड अच्छा था गॉन डू यू अंडरस्टैंड I'm so cute, no? Intelligent, sorry. वो अगेन मैं क्या बोल रहा था यार बेसिकली आपको ऐसी चीज बुलाएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल देर इज नथिंग रॉन्ग इन मी ये छक्का। अब बिकॉज हम इनको बैड वर्ड्स बोलते हैं हेलो ट्रांसजेंडर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ LGBTQ। अगर आपको किसी ने चक्का बोल भी दिया या किसी ने गे भी बोल भी दिया ये बुरा मानने वाली तब बात है अगर आप सोचो ये गालियां हैं। अगर मैं इस पौधे को पौधा बोलूं वो गाली थोड़ी है जस्ट लाइक दैट इफ यू गे यू गे इट्स नॉट अ गाली। अगर आप ट्रांससेक्सुअल या ट्रांसजेंडर हो दैट्स नॉट अ गाली। गाली तब है अगर हम इसके बारे में ऐसे सोचें सो गे इज नॉट अ बैड वर्ड। भाई ऐसे इंस्पिरेशनल मोमेंट्स आते हैं ना कामसूत्र में बट मैं क्या करूँ ऐसे मैं मजाक में शो कर लेता हूँ पर मैं सच्ची बताऊँ आई रियली वॉन्ट टू लाइक आई वॉन्ट टू बी समबडी हू फाइट्स फॉर द LGBTQ राइट्स क्योंकि इतने सारे एपिसोड करने के बाद भी इंडिया में ये सेक्शन 377 अब तो डिक्रिमिनलाइज होने के बाद भी आप मेरे को सच्ची बताइए इतने लड़के ओपनली अपने दिल की बात बोल सकते हैं नहीं बोल सकते राइट। That is why I am on Blued, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर आपके जैसे बहुत सारे लड़के हैं जिनको लड़के पसंद है एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बन जाता है। मैं Blued पे अपने वीडियो शेयर करता हूँ पोस्ट शेयर करता हूँ बिकॉज मेरे को पता है वहाँ पे एक कम्युनिटी है LGBTQ कम्युनिटी है। मैं Blued पे इसलिए भी हूँ बिकॉज मिलना लोगों से आसान हो जाता है मुझे ऐप पे इंस्टेंटली पता लग जाता है कि मेरे आसपास कौन है नियर बाय इज माई फेवरेट फीचर। मैं ऐप पर इसलिए भी हूँ बिकॉज जब मैं उस पर होता हूँ मुझे कोई अच्छा लगता है आई कैन इंस्टेंटली डू अ वीडियो कॉल बिकॉज मेरे को समझ में आ जाता है कि वो असली में कैसे दिखते हैं। और मैं ऐप पे इसलिए भी हूँ बिकॉज एक्चुअली अगर आप प्यार ढूंढना चाहते हो उसको कहाँ ढूंढो क्योंकि अगर सब छुप के बैठे हुए हैं यू नीड सम प्लेस जहाँ पर वो थोड़े से तो बाहर आ जाए and that place happens to be Blued. I really hope and I really wish aap ye jo videos dekh rahe hain kamsutra with paras tomar aap mein isko maza aa raha hai masti aa rahi hai thodi information mil rahi hai but I really hope somewhere main sachchi mein bol raha hu isme mera thoda senti tak man to hota hai that these videos give you courage sab kuch khullam khulna bolne ke liye kyunki main aapko sachchi bata hu jab aap chupna chhod denge na you will come out and you will celebrate life with a lot of pride. mujhe ye zarur batana ki agle video mein aap kya dekhna chahte ho। मैं चाहता हूँ कि काम सूत्र विद पारस तोमर एक ऐसा शो बन जाए कि एवरीथिंग बिकम्स नॉर्मल क्योंकि सेक्शन 377 अब नॉर्मल नहीं है अब नॉर्मल है। आई लव यू गाइस बिग पुची लूड प्रेजेंट्स काम सूत्र विद पारस तोमर।